नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ बचपन के प्रश्न उत्तर को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न। संस्मरण से लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी, इतवार की सुबह इसी काम में लगाती थी। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या बताना चाहती है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका बताना चाहती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फाल से और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा लगाना क्यों पड़ा, चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम की सूरत बनी लंगूर की। आइए प्रश्न संख्या 4 करते हैं। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो, तो इसका उत्तर में लिखेंगे। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी, रस भरी कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। अब हम करेंगे संस्मरण से आगे। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ों की आवाज़ ही आश्चर्यजनक थी। आधुनिक युग में तुम्हें क्या क्या चीज़ आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखना है, तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं। आजकल मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधाएं हमें आकर्षित करती हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो आपको आकर्षित करती हो आप उत्तर में लिख सकते हैं। आइए भाषा की बात करें। क्रियाओं में से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम्हें भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो आइए ये सारी क्रियाएं हैं, इनके हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। तो चमकना से भाववाचक संज्ञा बनेगी चमक,
भागना से भाग, खरीद बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। अब भाषा की बात के अगले प्रश्न को करेंगे। चार दिन कुछ व्यक्ति एक लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलता है कि इनमें चार, कुछ और एक लीटर संख्या या परिणाम का आभास कराते हैं, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी चार दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने पर इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार एक लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार है, सभी लोग हंस रहे थे और तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। आइए इनके उत्तर देखते हैं। क, 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानत थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ से ऐसे 5 उदाहरण छाँट कर लिखो। तो यहाँ पर 5 उदाहरण लिखे हुए हैं। 1 नंबर, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। 2, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। 3, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। 4, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। 5, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। आइए विशेषण समझते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, राम होशियार है। अब हम विशेषण के प्रकार जानेंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बचपन पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।